अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मेरा नाम जमील अहमद खान है एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की अमान में होंगे, अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ वो सारी रिसोर्सेज की टेक्निक जो मैंने ये वाली वीडियो में बताया था उसका ट्यूटोरियल मैं आपको दूंगा। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आप ये वाली वीडियो नहीं देखे तो आई एम श्योर ये वाली वीडियो आपको समझ में नहीं आएंगी। तो आप पहले ये वाली वीडियो को अच्छी तरह देख लो, उसके बाद ये वाली वीडियो को देखना। मैं इस वीडियो में विप्रो जो हमारा स्टॉक है उसको एग्जांपल लेकर मैं बताऊंगा। आप अपने हिसाब से आप जो स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो या करने वाले हो उसको ये सारे स्टेप्स अगर आप फॉलो करेंगे, वो स्टॉक की जो भी इंफॉर्मेशन मार्केट में लीक होगी सबसे पहले आपके फ़ोन में, आपके मोबाइल डिवाइस में या आपके लैपटॉप में आ जाएगी। उसके ज़रिए से आप अपने ट्रेड को मैनेज कर सकते हो। तो चलिए अपन अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर और आई एम श्योर आपको भी स्क्रीन दिख रही होगी। मैं सबसे पहले जाता हूँ गूगल फाइनेंस पे। तो मैं गूगल क्रोम खोल लिया हूँ। गूगल क्रोम में आई विल बी टाइपिंग विप्रो शेयर। ठीक है, वंस यू टाइप विप्रो शेयर, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है फॉलो का। ठीक है, जैसे ही आप इसको क्लिक कर लोगे तो इससे रिलेटेड, ये स्टॉक से रिलेटेड, विप्रो स्टॉक से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आपके गूगल क्रोम में आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर आपके जीमेल में, गूगल क्रोम जीमेल से लिंक रहता है, ये आपका जीमेल अकाउंट है, तो जो भी गूगल क्रोम है वो आपका जीमेल से लिंक होता है। तो जैसे ही मार्केट में कुछ आर्टिकल शेयर होगा विप्रो से रिलेटेड, कुछ भी टाइम्स नाउ या बिजनेस, टाइम्स नाउ बिजनेस या NDTV प्रॉफिट, ये जितने भी रिसोर्सेज के प्लेटफॉर्म्स है जो अपने आर्टिकल शेयर करते हैं या वीडियो शेयर करते हैं, वो सारे आर्टिकल्स वगैरह उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाएगी। एंड वन मोर थिंग, आपको अपने नोटिफिकेशन का जो ऑप्शन है सेटिंग्स में गूगल क्रोम का, वो ऑन करना पड़ेगा। उसके लिए आप सेटिंग्स में जाइए और यहाँ पर आप ऐप्स में जाकर गूगल क्रोम मारिए गूगल, और यहाँ पर नोटिफिकेशंस को अलाउ कर दीजिए। अगर अलाउ नहीं है तो उसको अलाउ कर दीजिए। तो विप्रो से रिलेटेड जो भी आपको आर्टिकल इंटरनेट पर पब्लिश होगा वो सारा आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन उसकी आ जाएगी, उसका मेल भी आपको आ जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको गूगल फाइनेंस में जाना है। गूगल फाइनेंस, यहाँ पर अगर आप गूगल फाइनेंस में जाओगे तो ये, यहाँ पर आप जैसे ही विप्रो को जाओगे तो यहाँ पर आप प्लस मार्क आपको दिखेगा ऐसा। तो प्लस मार्क अगर आपको, मैं ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ इसीलिए वो नहीं आया था, इसीलिए मैंने निकाला, फिर यहाँ पर प्लस मार्क आया अभी यहाँ पर। तो अगर आप ये प्लस मार्क को क्लिक कर लोगे तो आपकी वो एक वॉच लिस्ट बन जाएगी। उस वॉच लिस्ट में आपके जितने भी पसंदीदा शेयर्स हैं वो यहाँ पर आप उसको ऐड कर लीजिएगा, ताकि उससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ गूगल पर आएगी वो उसको, उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। ये एक चीज़ थी। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको मनी कंट्रोल में जाना है। ये है मनी कंट्रोल एप्लीकेशन, यहाँ पर आप क्लिक करना, सर्च बार में टाइप करना विप्रो, यहाँ पर आपको फॉलो ऑप्शन रहेगा तो इसको भी आप ऑन कर लीजिएगा। तो मनी कंट्रोल पे जो भी विप्रो से रिलेटेड आर्टिकल आएगा वो आपके मोबाइल पे उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद आप जाना इन्वेस्टिंग पे, यहाँ पर आप क्लिक करना विप्रो, टाइप करना विप्रो, और यहाँ पर एक छोटा सा स्टार मार्क दिख रहा है आपको, आपको बस इसको सेलेक्ट करना है और दैट्स इट, योर जॉब इज़ डन। आपके वॉच लिस्ट में विप्रो ऐड हो चुका है और इससे रिलेटेड जो भी आर्टिकल investing.com में आएगा वो आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। ठीक है,
अब तीसरा है स्टॉकेज, यहां पर आप टाइप करना विप्रो, यहां पर आपको जो स्टार मार्क दिख रहा है उसको अगर आप सेलेक्ट कर लोगे तो आपकी ये वॉच लिस्ट में ये ऐड हो जाएगा। इससे रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन स्टॉकेज में आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं ज़ेरोधा पे, ज़ेरोधा का जो एप्लीकेशन का नाम है वो काइट है, काइट को मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन मैंने कर लिया है और यहाँ पर मैं टाइप करूँगा विप्रो और इसको मैं यहाँ पर प्लस मार्क डालूँगा और इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर मुझे ऑप्शन दिखता है फंडामेंटल्स का और यहाँ पर मुझे इवेंट्स में न्यूज़ दिखती है। न्यूज़ फ़िलहाल तो अभी कुछ भी नहीं है। और आपको क्या करना है विप्रो से रिलेटेड, अगर आपके पैसे विप्रो में हैं तो ये सेक्शन आपको रोज़ देखना है क्या इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आई या नहीं। आपको सुबह फजर पढ़ते ही आपको ये पेज आपको ज़रूर देखना है। उसके बाद आप यहाँ पर आप देख सकते हो अलर्ट का ऑप्शन, तो यहाँ पर आप सेट अलर्ट में आपका जो भी प्राइस आप चाह रहे हो, मिसाल के तौर पर अब विप्रो का प्राइस चल रहा है 560 रुपये, मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों में ये 600 जाएगा, तो मैं अगर ये चाहता हूँ कि जैसा ये 600 के पार जाए मुझे इसकी नोटिफिकेशन आ जाए, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर अलर्ट एक सेट करूँगा 600 को और यहाँ पर क्रिएट कर दूँगा। तो यहाँ पर मेरे अलर्ट्स में अगर आप देखेंगे यहाँ पर अलर्ट्स का सेक्शन होता है, अलर्ट्स के सेक्शन में जब भी इसका प्राइस 600 के ऊपर जाएगा या 600 टच होगा तो काइट ऑटोमेटिकली इट विल गिव यू ए नोटिफिकेशन दैट द प्राइस ऑफ द स्टॉक हैज़ क्रॉस 600, ठीक है। तो ये चीज़ है। इंशाल्लाह ताला ज़ेरोधा का मैं वीडियो बनाऊंगा कल, क्योंकि उसके लिए मार्केट में चालू रहना पड़ता है, मार्केट में चालू रहकर बताना पड़ता है। कोई एक कमेंट किया है कि ज़ेरोधा में ऑर्डर कैसा लगाना, स्टॉप लॉस कैसा लगाना, एंट्री कैसा लगाना, तो इंशाल्लाह ताला उसकी वीडियो मैं बना दूंगा, तो वहाँ पर भी ये पॉइंट को मैं टच करूँगा। तो फ़िलहाल के लिए सिर्फ और सिर्फ आप अलर्ट कैसा लगाना वो सीख लो, और ये सारे प्लेटफॉर्म जैसे कि गूगल फिनेंस है, स्टॉकेज है, मनी कंट्रोल है और आपका investing.com है, इन लोगों का मैं अभी जैसा ट्यूटोरियल मैंने बताया हूँ वैसा अगर आप कर लोगे तो डेफिनेटली आपको जो भी आर्टिकल पब्लिश होगा इंटरनेट पे वो आप देख सकते हो उसको। अब कुछ लोगों को यहाँ पर इंग्लिश की प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आप गूगल ट्रांसलेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। गूगल ट्रांसलेटर, अब बहुत जनों मुझे कमेंट करते हैं साहब इंग्लिश नहीं आती मेरे को क्या करना, तो यहाँ पर आप ये सिंपल सा एप्लीकेशन है इसको आप डाल लो। उसके बाद जैसे ही मिसाल के तौर पर विप्रो से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपको आई, अभी आई तो नहीं इसीलिए कुछ भी बता रहा नहीं यहाँ पर, लेकिन जब भी आ जाएगी और जैसा ही आपको पता चल जाएगा तो, और अगर आपको मान के चलते हैं इंग्लिश नहीं आती तो आपको जो भी लैंग्वेज आती है उसमें आप उसको ट्रांसलेट कर ले सकते हैं। अब यहाँ पर विप्रो से रिलेटेड देखो, विप्रो से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन है, बाई विप्रो एट ₹560, टारगेट प्राइस 610, टारगेट यहाँ पर दिया 610 रुपये का, स्टॉप लॉस यहाँ पर दिया 529 रुपीज़ का। उसका रीज़न क्या है बताया, देखो यहाँ पर विप्रो हैज़ गिवन ए ब्रेकआउट ऑफ द रेसिस्टेंस एंड क्लोज अबाउट 52 वीक्स हाई, यानी कि क्या बता रहा है यहाँ पर कि विप्रो ने 52 वीक हाई को ब्रेक किया है और ये बुलिश है, बुलिश यानी कि बुल्स इसको टेक ओवर कर लिए। अब इफ़ आई वॉन्ट टू ट्रांसलेट दिस इन हिंदी और उर्दू तो यहाँ पर आपको ट्रांसलेट ऑप्शन रहेगा, तो जैसा ही आप ट्रांसलेट करोगे यहाँ पर आप मोर लैंग्वेजेस में जाना और उर्दू में जाना, तो यहाँ पर आपको उर्दू में आ गया विप्रो को 560 रुपये में ख़रीदे, ठीक है। हदफ की कीमत ₹610, स्टॉप लॉस 530, ठीक है। ऐसा अगर आप विप्रो को, अगर आप अपनी मनपसंद भाषा में, किसी लोगों को उर्दू नहीं आता, किसी लोगों को सिर्फ हिंदी आता, तो अगर आप हिंदी में ट्रांसलेट कर लोगे और इसको पढ़ लोगे तो डेफिनेटली आपको ये फ़ायदा देगा, ठीक है।
मगर अगर आपको शेयर मार्केट में आगे जाना है, आगे बढ़ना है, तो यू मस्ट लर्न इंग्लिश, आपको इंग्लिश सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये गूगल ट्रांसलेट का जो फीचर है वो किसी किसी वेबसाइट्स पे चलता है और किसी किसी वेबसाइट्स पे ये काम नहीं करता। तो उसके लिए आपको इंग्लिश सीखना ही पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यूट्यूब पे सारे वीडियोस आप एक एक करके देखो, अच्छे अच्छे चैनल से जो इंग्लिश सिखाते हैं वो आप देखो, और मुझे अपने वीडियो में नीचे कमेंट करके बोल रहे हैं भाई इंग्लिश में नक्को बोलो, थोड़ा पूरा उर्दू में बोलो, पूरा हिंदी में बोलो। तो भाई मुझे इंग्लिश कभी कभी निकल जाती है, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो उर्दू में नहीं रहते, वो हिंदी में नहीं रहते, तो उसको बोलने के लिए इंग्लिश बोलना ही पड़ता है। तो उसके लिए आप प्लीज़ इंग्लिश सीखिएगा, और इंशाल्लाह ताला मैं कुछ सोच रहा हूँ कि मैं अपने चैनल पर इंग्लिश ट्यूटोरियल्स भी डालूँ, तो मुझे जो इंग्लिश आती है और मैं जो कैसा इंग्लिश को सीखा हूँ वो भी इंशाल्लाह ताला मैं अपने चैनल पर डालने का ऐसा सोच रहा हूँ। अगर आपको कुछ इसमें हेल्प होना है तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं डेफिनेटली आपको बोलूँगा। तो ये था, तो दोस्तों ये था ट्यूटोरियल। अगर वीडियो समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार देखो, दूसरी बार देखो, तीसरी बार देखो, और इसको सीखने की कोशिश करो। और जब ये प्रोसेस आप फॉलो कर लोगे तो जो भी आर्टिकल आएगा मार्केट में, यानी कि आई मीन टू से इंटरनेट पे पब्लिश होगा, तो आपको वो पढ़ना मान के चलो कि वो फ़र्ज़ है, उसमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन छुपी रहती है, और उसके ज़रिए से आप अपने ट्रेड्स को मैनेज कर सकते। और मिसाल के तौर पर किसी कंपनी में घोटाला हो गया और आपका पैसा वो कंपनी में है, तो उसका आर्टिकल कुछ पब्लिश होता है तो दूसरे दिन वो स्टॉक में हलचल होती है, मूवमेंट कैसा भी आता है, तो वो मूवमेंट का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर नीचे गिर रहा है तो शॉर्ट की पोजीशन लेके आप जो है नीचे माल खरीद के पैसे कमा सकते हैं, और अगर बढ़ने वाला है तो खरीदने की पोजीशन लेके प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये सारे चीज़ें अगर आप कर लोगे वो स्टॉक को रिलेटेड, तो डेफिनेटली आपको पैसा बन सकता। अगर आप गाफिल रहोगे और मार्केट में जो भी, यानी कि इंटरनेट पे जो भी आर्टिकल आ रहा है उसको नज़रअंदाज कर दोगे, इग्नोर करोगे, तो इज़ ए स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि आपका पैसा डूब सकता। अगर घोटाला होगा, कुछ कंपनी के डायरेक्टर्स कुछ घोटाला कर दिए, या कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आ गई, तो दूसरे दिन जब मार्केट ऑन होगी तो वो स्टॉक का प्राइस जो है नीचे धड़ाधड़ गिर जाएगा, आपको पोजीशन नहीं मिलेगी और आप अपना माल खाली करके बाहर भी नहीं निकल सकते। ये सारी चीज़ें आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। मार्केट में ये लोग को इन्फॉर्मेशन देने कतराते हैं, मैं अपने भाइयों का फ़ायदा होना बोल के ये वीडियो बना रहा हूँ, आप इसका ज़रूर ज़रूर फ़ायदा उठाइए और अपने लिए कुछ प्रॉफिट कमाइए, और मेरे लिए दुआ करिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। अगली वीडियो इंशाल्लाह आएगी ज़ीरोधा का ट्यूटोरियल, जिसमें स्टॉप लॉस कैसा लगाना, टारगेट कैसा सेट करना और ऑर्डर कैसा लगाना, वो सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह ताला ज़ीरोधा का ट्यूटोरियल में मैं बता दूंगा। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।